हम अकेले क्यों नहीं रह सकते? तो उसका जवाब ये है कि जो लफ्ज इंसान है ना अरबिक के अंदर, अरबिक वर्ड है इंसान, तो अल्लाह ताला ने इसके पीछे हिकमतें रखी हैं। अराउंड 5 के करीब इसके अंदर जवाब है कि इंसान को इंसान क्यों बोला जाता है, 5। उसमें से कुछ आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला जो इब्न अब्बास का भी कॉल है कि अल इंसान मिन अल निसयान, कि इंसान को इंसान इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये भूल जाता है। इससे वादा अलस कराया था, फनसिया, फिर ये भूल गया, तो इस वजह से इंसान को इंसान कहा जाता है क्योंकि ये भूल जाता है। और एक और एक कॉल इसके अंदर बड़ा अच्छा जो मुझे लगा कि ये उनसियत से, ये एक सोशलाइजिंग क्रिएचर है, और जब हम सोशल वर्ड यूज करते हैं तो वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है, वो ऑपोजिट वर्ड यूज किया जाता है किसके, लोनलीनेस के, अकेलेपन के, तन्हाई पसंद के। एक इंसान जो तन्हा पसंद होता है या बहुत सोशल होता है, तो इंसान को हमेशा इंसान चाहिए होंगे जीने के लिए, अब वो चाहे जिस फॉर्म के अंदर भी हो। और जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा जो क्राइसिस होता है वो ये होता है कि उनके पास कोई फैमिली नहीं होती, तो फिर वो अपनी उस नीड को या अपने उस इमोशनल एलिमेंट को कैसे डील करते हैं, वो अपने कोई देसी दोस्त बना लेते हैं जहाँ बैठ के बिरयानी खा लेंगे, जहाँ बैठ के कुछ हलीम बनाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा रिजेंबल करने की कोशिश करेंगे। हमारी माँ भी ऐसी हलीम बनाती थी, फिर बैठ के ऐसे ही पूछेंगे माँ बताओ पराठा कैसे बनता था, अब फिर वहीं से कहीं से ढूंढ के आटा लेके आएंगे। थिंग इज कि आपको जो है ना दूसरा एक इंसान चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो अकेले जंगलों के अंदर रह रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। दुनिया की जो मेजॉरिटी है उनको दूसरे लोग चाहिए, चाहे जिस फॉर्म के अंदर, चाहे वो दोस्त हो, दोस्ती भी एक रिश्ता है, चाहे वो पड़ोसी हो, पड़ोसी भी एक रिश्ता है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, इंसान को एक दूसरा इंसान चाहिए होता है। कुरान से अगर हम पूछे तो इसका बड़ा अच्छा एक जवाब है। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फिर साथ में हव्वा को क्यों पैदा किया? इंसान को बात करनी होती है। इंसान को आपने किसी को अजाब देना हो ना उसको बिठा दो, तुमने बात नहीं करनी, वो बोलेगा इतने ख्यालात आ रहे हैं मेरे अंदर, मैं इतना कुछ सोच रहा हूँ, इतना कुछ फील कर रहा हूँ, इतनी चीजें समंदर मेरे अंदर से गुजर रहे हैं, तूफानों से मैं गुजर रहा हूँ, मैं कुछ शेयर ना करूं, मैं कोई ट्वीट ना करूं, मैं कोई फेसबुक के ऊपर स्टेटस अपडेट ना करूं, मैं कोई वीडियो ना बनाऊं, मैं कोई तंग ना करूं, किसी को बस ना सही। तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने हवा को पैदा किया। और याद रखिएगा बड़ी प्यारी आयत है, मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने बोला या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, तुम और हवा जन्नत में रहे। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत के अंदर रहे। अल्लाह ताला ने एक रिश्ते का इंतखाब किया वहां पे। तो रिश्ते लाइफ के अंदर जो है बहुत मैटर करते हैं, याद रखिएगा। तोड़ देना, काट देना, बात ना करना, मुंह फेर लेना, ये बहुत आसान बात है। आज आप अकेले हैं ना, अपने लिए कमाएंगे, इंसान कितना खा लेगा? आज आपकी ग्रोसरी 25-30 हजार रुपए की होती है मंथली, आपके किचन का जो खर्चा है 25-30 हजार रुपए जाएगा। अकेले जाएंगे आप 25-30 हजार में, रोज बाहर खाना खाएंगे आप, तब भी 10 हजार रुपए बचा लेंगे शायद आप, लेकिन फिर किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं होगा। फिर किसी को खुश करना, किसी के गमों के अंदर जो है ना सहारा बनना, फिर ये एलिमेंट्स नहीं होंगे। और फिर याद रखिएगा आज आपका प्राइम टाइम है ना, आज आप कमा सकते हैं, आज आप अपने काम खुद कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। तो याद रखिएगा फिर एक दौर ऐसा आएगा जब आपके अंदर वो ताकत नहीं होगी, जब वो कुव्वत नहीं होगी आपके अंदर कुछ करने की, उठ के पानी पीने की, सिर्फ अपना ब्लैंकेट खींचने की, क्योंकि वो बहुत भारी होगा, शायद हीटर ऑन करने की, पानी गर्म करने की, अगर गीजर बंद हो जाए शायद आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी। फिर आपको जो है ना एक सहारा चाहिए होगा। और मैं अल्लाह की क्या क्लास बताऊं आपको, ये तौहीद के भी मुनाफी है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना अकेलापन, ये तौहीद के मुनाफी है। कैसे? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अगर ये अल्लाह की शान है ना अकेलापन, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ, वो बेनियाज है, वो गनी है, उसको किसी की परवाह नहीं है। तो याद रखेगा इसके जितना ऑपोजिट कॉन्सेप्ट निकालेंगे आप, इंसान की वो शान बन जाएगी। इंसान जितने ज्यादा के साथ होगा उसकी शान बनेगी, इंसान जितना डिपेंडेंट होगा लोगों के साथ उतनी उसकी शान बनेगी, इंसान किसी से पैदा हुआ है और किसी को पैदा करेगा ये उसकी शान बनेगी। तो जितने कुछ खुलो अल्लाह रसूल इखलास के अंदर मौजूद है उसको ऑपोजिट अगर हम कर देंगे तो वो इंसान की शान बन जाएगी। अगर आप अल्लाह की शान लेने की कोशिश करेंगे तो आप एक बहुत बड़े डिप्रेशन के अंदर जाएंगे, क्योंकि वो आपके लायक ही नहीं है, वो चीज मैटर ही नहीं करती आपके लिए, वो बनी नहीं है आपके लिए। जब एक चीज आपके लिए बनी नहीं है वह खत्म हो गए, उस सर्कल में जाएंगे, उन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, थक जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इस दुनिया के अंदर।